हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मैटरनिटी विंग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या क्या योजनाएं होती है। इसमें सबसे पहले कायाकल्प, लक्ष्य, एनक्वास। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कायाकल्प क्या है। भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे हम कायाकल्प कहते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कायाकल्प कब शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत हुई है मई 15, 2000 को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कायाकल्प की पहल या शुरुआत की गई। इन आधारों पर होता है कायाकल्प का मूल्यांकन। ये मूल्यांकन होता है स्वच्छता पर, जिसे कह सकते हैं साफ सफाई। इसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हम BMW कहते हैं। इसके बाद है इन्फेक्शन कंट्रोल, हाइजीन मेंटेन, जब कभी कायाकल्प की टीम हॉस्पिटल में आए तो इन आधारों पे अपना हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करें। पेशेंट का फीडबैक, स्वच्छता एवं सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल, हाइजीन प्रमोशन, पेशेंट का फीडबैक मूल्यांकन, इन आधारों पर आप कायाकल्प की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद है तीन श्रेणियों में जो पुरस्कार मिलता है वह उसकी राशि तीन श्रेणियों में बांटी गई है, जैसे जिला अस्पताल में, सिविल अस्पताल में, CSC PSC सेंटर जो होते हैं। तो जो जिला अस्पताल है उनका प्रथम पुरस्कार राशि होती है 50 लाख की, द्वितीय राशि होती है 20 लाख की, तृतीय राशि होती है इसकी 10 लाख की, और अगर सांत्वना पुरस्कार मिल रहा है तो ये 1 लाख तक हो सकता है। ये राशि कम ज़्यादा भी हो सकती है। सिविल अस्पताल को अगर सिविल अस्पताल स्तर पर अगर आप कायाकल्प अवार्ड जीतते हैं तो प्रथम प्राइज़ है इसका 10 लाख रुपये, इसके बाद है सेकंड प्राइज़ है 5 लाख। PSC को भी इसी प्रकार मिलेगा, पहला 2 लाख और सेकंड है 50,000 का। ये राशि कम ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लक्ष्य टीम क्या होती है। आज मैं बताऊंगी कायाकल्प की तैयारी कैसे करें। ये हमारा हॉस्पिटल का गार्डन है, हमारे यहाँ कायाकल्प की टीम आने वाली थी तो हम लोगों ने इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन किए थे, जो आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप या फ़ोटो के ज़रिए आप देख सकते हो कि कैसे विशेष साफ सफाई का ध्यान रखे हैं और इस तरीके से हमने डेकोरेट किया है हमारे हॉस्पिटल को। हमारा हॉस्पिटल एक सिविल अस्पताल है। ये हमारा प्रसव कक्ष या लेबर रूम कह सकते हैं। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है। ये मैंने छोटे छोटे पिक्चर्स क्लिक किए हैं जो मैंने वीडियो पे दिए हैं। ये हम लोग कायाकल्प के लिए रंगोली बना रहे हैं। ये हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है और इसका अवार्ड इस तरीके से अवार्ड होता है। ये हमारा अवार्ड नहीं, पर आप लोगों को बताने के लिए मैंने